हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, इसके चक्कर में वो पीएनबी फिफ्थ ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन क्लिक करके पीएनबी फिफ्थ में चला गया वो। और अच्छा अच्छा प्री का कर लिया अच्छे से, और ये वैकेंसी कम होती थी तो ऐसे लग रहा था पहले कि कट ऑफ तो अभी हाई जाएगा बहुत प्री का, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ये कोई 17 मार्क भी कट ऑफ लग जाता है 125 मार्क से। तो हाँ प्री तो प्री दे दिया, तो प्री का पेपर देते समय ही लग गया कि प्री तो हम क्लियर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा प्री का। और प्री के लिए मैं तो, मेरा ऐसा था कि मैं क्या करता था, इंग्लिश का तो कुछ द हिंदू डेली पढ़ता था, उसके बीच में इंग्लिश के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आता था, तो लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज से भी इंग्लिश अच्छा हो जाता था अच्छे से। सिर्फ मैं ये रखता था कि इंग्लिश के अटेम्प्ट जो है मैं ज्यादा रखता था थोड़े, अच्छा जिससे कि कट ऑफ तो क्लियर हो जाता था। और उसके बाद क्वांट का रहा, तो क्वांट के लिए मैं ऐसे स्पेसिफाइड टॉपिक ही करता था, स्पेसिफिक टॉपिक ही, दूसरे कुछ ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम है वो देखता ही नहीं था मैं कुछ भी। तीनों ही अटेम्प्ट दिए, एक में भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया मैं, सिर्फ अच्छा वो जो नंबर सीरीज है जैसे कि कंपेरिजन ऑफ वेरिएबल है और डीआई का है, और जो दूसरा आता है वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का, तो इतने टॉपिक पे मैं डिपेंड रहता था, इसमें ही पूरा अच्छे से करता था, और यही जाके सॉल्व करके पूरा एक्यूरेसी बना के सॉल्व करके आता था क्वांट के लिए। और अच्छा जो रीजनिंग का रहता था, रीजनिंग के लिए तो मिसलेनियस से भी हो जाता था, लेकिन पिछली बार मैं पूरा मिसलेनियस करके जाता था, और पिछली बार हुआ ऐसा मिसलेनियस कुछ भी नहीं आया। पजल्स ट्वेंटी ज्यादा बने ट्वेंटी टू होंगे। वाले हाँ पजल्स पूरे आए थे, मिसलेनियस दो तीन सिलोगी मिले मुझे वो पूरे पेपर में, अच्छा तो वहां में फंस गया था। और अच्छा हुआ कि एक पजल पजल बना के आया, तो उससे कट ऑफ क्लियर हो गया, और कट ऑफ भी अच्छा लगा था 17 मार्क्स कुछ भी ऐसा, तो उससे हाँ। पिछली बार वाला कवर हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा सोचा कि अभी हाथ में तो कुछ भी नहीं है, स्टेट सर्विस के दो इंटरव्यू देके ना, तो एफसीआई भी चला गया, स्टेट सर्विस के दो इंटरव्यू देके उसके भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी ये कोई करना पड़ेगा अच्छे से। तो पीएचडी तो साइड बाय साइड शुरू था, तो थोड़ा टेंशन तो गया, हो गया था रिलैक्स की पीएचडी तो है, कुछ नहीं होगा। सही। तो उसके बाद इस बार मैं पूरा जो प्री का था वो प्री का पूरा पढ़ लिया था। मेन है तो इंग्लिश में वो अंडरस्टैंडिंग स्किल तो मैंने बता ही दिया था, प्लस प्रैक्टिस। आप अगर मॉक्स जीतने लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड होगा, आप उस क्वेश्चन से आप मतलब रूबरू हो जाते हैं बहुत बार अगर आप मॉक्स वगैरह देते हैं। मैंने अपने इस 3 साल में बहुत सारे मॉक्स दे दिए, आप जितने मॉक्स अच्छा दोगे उतने आपका वो होगा। और ग्रामर के जो बात है, आप कोई भी क्लासेस, जैसे मैं निमिषा मैम का क्लासेस मैंने फॉलो किया था उस टाइम पे, तो निमिषा मैम के अच्छा आप ग्रामर क्लासेस कुछ फॉलो कर देते, मेरा हाँ ग्रामर यूट्यूब में से 100% एक्यूरेसी था भी नहीं। हाँ, मैं पूरा अपना जो प्रिपरेशन है मैं यूट्यूब से किया, मैंने आज तक कोई कोचिंग लिया नहीं अभी तक। तो क्वांट और में जो आपका डीआई है कितना इम्पोर्टेंस है, और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्वांट में मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो एफओ के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, मैं खुद बिल्कुल दे चुका हूँ, मैं जानता हूँ, वो एरिथमेटिक से बहुत ज्यादा डरते हैं। और जो एरिथमेटिक्स, अगर जिसका एरिथमेटिक वीक हो ना, उसका क्वांट्स में नंबर लाने बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीआई में भी आपका एरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट ही लगता है, हाँ यस चतुर्थांश होता है जहाँ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। तो वहाँ हमको क्या करना है, हमको पहले जो अपने सबसे कमजोर कड़ी होती है ना, हमको उस पर काम करना पड़ता है, उससे भागना नहीं पड़ता। तो जो हम अगर अपने क्वांट के जो एरिथमेटिक पोर्शन को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो बाकी पोर्शन हमारे लिए कुछ भी नहीं रहता। मैंने फिर वही किया था, मैंने अपना एरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, उस वजह से मेरे को फिर दिक्कत नहीं आता था, डीआई वगैरह मेरे हो जाते थे। रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब पे जो अंकुश लांबा सर थे उनको मैंने फॉलो किया था, उनसे मैंने, और उसके बाद मैंने जब मेरा सिलेबस एक बार हो गया था, मैं मॉक पे शिफ्ट कर गया था, सिर्फ मॉक लगाता था और मेंस का क्लास करता था। मेंस लेयर बैंकिंग का होता है, सिर्फ मेंस का ही मैं क्लास करता था। फॉर देम द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक थिंग इज स्टार्ट रीडिंग. इट मे बी द न्यूज़पेपर और एनी नॉवेल, और इफ यू गेट बोर्ड वॉच वेब सीरीज ऑल्सो. नो ऑफेंस देयर, बट यू हैव टू ऑन द सबटाइटल्स देयर. What I used to do with it is I followed one email where I'm getting in. Its name is Finshot, where I'm getting the daily mail of sort of stories. Single one news I'm getting. I used to read that daily. I used to read that, so it helped. It's like a same that RC paragraph. Used there. I used to read just around 5 to 10 minutes. That's it. You can complete that whole paragraph in 5 to 10 minutes. I used to read this regularly, so it helped put me in exam very well. And in English, you have to figure out the topic that word mismatch or like that. There are many simple
टॉपिक्स वेयर यू कैन इजीली स्कोर देयर. फर्स्ट स्टडी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वेयर यू कैन गेट इजी मार्क्स देयर. नो मोर शॉर्टकट्स. रेगुलरली रीड 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 दैट्स इट. इट्स सिंपल. फॉर क्वालिफाइंग द इंग्लिश कट ऑफ वी हैव टू थरो विद द रीडिंग. You can go for some of the arithmetic topics like board and stream, time and speed, like an average. Yes. Yes. What happened in last attempt that I prepared everything in arithmetic questions, like everything. I wasted time there, but in exam, due to I am unable to see a single arithmetic questions last year. Which questions I asked, I don't know. I am unable to see the question itself. But this year I am clear that I have to attend the easy questions first. Yes. So I am very quick in the exam. I started to change the questions next and go which I feel comfortable to attend. And attended and completed all 50 questions in the specified time itself. Coming to the reasoning, start preparing with the inequality, syllogism, blood relations. These are much easy topics. मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ी जितना बाकी लोग करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव अच्छा. वाली मैथ्स अलग होती है और जो हम 11th 12th में 10th में पढ़ते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है. तो यस, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे भी उतना ही एफर्ट डालना पड़ा. इवन इंग्लिश में रीजनिंग में इंग्लिश तो क्या था ना कि मुझे ऐसे वोकैब वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हुई है तो इतना दिक्कत नहीं, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी. लेकिन ये होता था कि कॉम्पिटेटिव लेवल की इंग्लिश थोड़ा क्या होता है, प्रैक्टिस के साथ आपको आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, तो वो थोड़ा इंग्लिश में इतना दिक्कत नहीं था. तो कॉन के लिए मैंने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक अपनाए, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, DI, जो कि ऐसे टॉपिक थे जो हर बार एग्जाम में आते थे. उसके बाद रीजनिंग के लिए भी मैंने सेम अप्रोच अपनाया है, जैसे कि सिटिंग, पजल, सीलॉग्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स है जो हर बार एग्जाम में पूछे गए, तो मैंने उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया, उनको अपना एक बेस बनाया, अपनी स्ट्रेंथ बना ली. इंग्लिश को भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करी, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व करने की कोशिश करी. तो आपको क्या करना है, देखो जो लड़ाई के मैदान में लड़ाई करने में जितना आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है उतना आपका कभी प्रैक्टिस के मैदान में नहीं होता है. तो मैं यही कहूँगा कि यूट्यूब के जितने भी आप वीडियो देख ले वो आपके लिए उतने काम के नहीं हैं. आप बस उनके आपके बस उससे आपकी एक कंसेप्ट बिल्डिंग हो सकती है, आपका एक बेस, स्ट्रांग बेस बन सकता है, लेकिन कभी भी आपको वो एक्चुअल एग्ज़ाम की फीलिंग नहीं देगा जो एक्चुअल एग्ज़ाम में आती, जो स्ट्रेस आता है, जो कि वहाँ पर आपको क्वेश्चन फेस करने होते हैं, उस तरह का आपका माइंडसेट नहीं बिल्ड करता. तो उस तरह का माइंडसेट बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है टेस्ट सीरीज के साथ. नो डाउट आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिए, एक बेसिक कंसेप्ट आपने सीख लिए, तो आपको तुरंत बाद जंप करना है अपने टेस्ट सीरीज पे. आपको टेस्ट सीरीज में मार्क कम आएंगे, एब्सोल्युटली. मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने पहला टेस्ट दिया था केवल 12 मार्क आए थे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश मिला के. तो आपको करना यह है कि टेस्ट सीरीज से शुरुआत करनी है. अब टेस्ट सीरीज में भी देखना यह है कि हमारा IBPS AFO जो है वो थोड़ी हाई लेवल की, जैसे कि मान के चलो SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क थोड़ी लो लेवल, उनकी जो प्री एग्ज़ाम होती है थोड़ी लो लेवल की होती है, लेकिन हमारा IBPS AFO जो है वो प्री इतनी टफ कर देता है जैसे कि RRB PO मेंस लेवल या फिर RRB क्लर्क मेंस लेवल. तो आपको स्टार्ट भी वही से करना है कि हमको RRB PO मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं. कहते हैं प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, तो हमको इसी बात का ध्यान रखते हैं, हमें वर्स्ट से तैयारी करनी है. अब IBPS PO मेंस जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आपके मार्क आएंगे 10, 12, 15, कुछ कुछ के आएंगे 20, 25, 30, 36, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है. जिस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह आप खुद में इंप्रूवमेंट करेंगे, जिस तरह आप नए नए टॉपिक सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसी तरह आपके मार्क बढ़ते जाएंगे.